Hello dear students, in today's video we will find out the square root of 676 by the help of prime factorization method. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उन्हीं प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से इसका हमें स्क्वायर रूट भी अपने आप ही पता चल जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है कि इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालें. तो स्टार्ट किससे होगा? प्राइम फैक्टर्स सबसे छोटे नंबर 2 से, क्योंकि 1 पे 6 है जो कि इजीली 2 से डिविजिबल है, तो इजीली हम 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं. 2 3 6, ओके, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, 13 का स्क्वायर है ये. तो ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक 2 into 2 into 13 into 13, तो इसका रिजल्ट वापस से क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा जिसके आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने थे, मतलब 676. ठीक है, अब इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लेंगे तो इजीली हमें इसका स्क्वायर रूट भी पता चल जाएगा. लाइक 2 into 2 2 square, 13 into 13 13 square, फिर इनको एक साथ भी लिख सकते हैं. कैसे? 2 into 13 का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? पावर जो है इसकी हाफ हो जाएगी. टू इधर जाएगी ना पावर, तो 1/2 हो जाएगी. लाइक 6 होता है यहाँ पे, ये पावर इधर जाती तो 1/6 हो जाती. सिंपल. अब 2 into 13 कितना होगा? 26 होगा इसकी पावर 1. अब इसी पावर को, हाफ पावर को क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट. 26 की पावर 1, 26 ही रहेगा. तो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू 26 होगा. होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.